मौजूद साहब के हजरात, सबसे पहले लेट आने की माजरत, क्योंकि हालात कुछ इस तरह हैं कि आप लोगों का भी वक्त कीमती है, हमारे तो वक्त की कोई कीमत ही नहीं। मौजूद साहब के हजरात, जैसे कि आपको मालूम है, मुल्क में जनरल इलेक्शन के ऐलान होने के बाद सियासी सरगर्मियां जिस अंदाज में शुरू होनी थी उस अंदाज में शुरू हो नहीं पाई, लेकिन मुल्क में जमहूरी और जमहूरी इदारों को इस्तेकाम बख्शने और जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्शन और अवाम को ये हक दिया जाए कि वो अपने मनपसंद, चाहे उनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीदवार हो या आजाद हैसियत से हो, उनका चुनाव करें। लेकिन ये भी अपनी जगह पर है, हकीकत है, और ये मुल्क की बदकिस्मती रही है कि यहां पर जमहूरी इदारों को मजबूत करने के बजाय, जमहूरियत को इस्तेकाम पहुंचाने के बजाय, यहां पर हमेशा गैर जमहूरी कुवतों ने जमहूरियत की बसात को हमेशा लपेटने की कोशिश की और अक्सर उस जमहूरियत की बसात को लपेटने में वो कामयाबी रहे। उनके इस गैर आइनी और गैर जमहूरी इकदाम पे ये भी अपनी एक इस मुल्क की एक तारीख रही है और हकीकत है कि उसमें हमारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस या पॉलिटिकल पार्टियों का भी बहुत बड़ा एक अहम रोल रहा है, जिन्होंने अपने इक्तदार के उसूल के लिए उन्हीं गैर जमहूरी कुवतों के कंधों पर चढ़कर अपने बनाए हुए जमहूरी असूल की पामाली की है। 2018 का इलेक्शन फैजाबादी इलेक्शन था और 2024 का इलेक्शन फैसलाबादी इलेक्शन होगा। उनसा नेशनल पार्टी ने हर वक्त जमहूरी अंदाज में पॉलिटिकल स्ट्रगल के तहत बलूचिस्तान की हकूक की जद्दोजहद की, सियासत की, उसकी पादाइश में हमें बहुत कुछ खोना पड़ा। कई साथी हमसे जुदा किए गए, हमारे साथियों को पाबंद सदासत किया गया। आज भी बीएनपी के कई साथी मिसिंग पर्सन की फहरिस्त में शामिल है। जनरल मुशर्रफ से लेकर आज दिन तक बीएनपी को कमजोर करने की इंतहा हद तक साजिशें कोशिशें की गई, बीएनपी को तोड़ने और जमहूरी प्रोसेस में उसके सामने हर्डल्स पैदा किए गए। लेकिन हमने न कि सिर्फ जमहूरी अलम बल्कि बलूचिस्तान के कौमी जमहूरी हुकूक का अलम बुलंद रखा। हम पर दबाव डालने की कोशिशें की गई, हमारे साथियों को पार्टी से को छोड़ने की जो है धमकियां दी गई, उन पर दबाव डाला गया, हमारे पॉलिटिकल वर्करों को उनकी वफादारियां तब्दील करने के लिए कैरेट और स्टिक का सहारा लिया गया। मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि हमारे दोस्तों के पैरों में लर्जिश नहीं आई, लेकिन आज भी आप देखें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 2018 के इलेक्शन के नतीजे को देखें और आज जिस अंदाज में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को पजीराई मिल रही है उसका अंदाजा खुद एस्टेब्लिशमेंट रियासत के इदारों में, नाम लेके कहूंगा, अगर आप
लिख सकते हैं, आपके कैमरे देख सकते हैं, रियासती इदारे जिसको ISI कहा जाता है, जिसको मिलिट्री इंटेलिजेंस कहा जाता है, जिसको किसी वक्त दो खलाई मखलूक कहते थे, उनकी ख्वाहिशात कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ताबे नहीं होगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान के जुमला हुकूम, चाहे उसमें मिसिंग पर्सन का मामला हो, बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली का मसला हो, बलूचिस्तान में जबरी गुमशदगियों का मामला हो, मारवाए आइन और अदालतों के बलूचिस्तान के लोगों का कत्लेआम किया गया हो, या बलूचिस्तान के लोगों को उनके बुनियादी हकूक के से महरूमी के मसायलों, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी रोज अवत से और आज दिन तक उस पर कायम है। 2024 के इलेक्शन कहा जाता है इसको इलेक्शन, लेकिन मैं उसको बदतरीन सिलेक्शन का नाम देता हूं जिसकी तैयारियां की जा रही है। नॉमिनेशन पेपर हमारे साथियों के नेशनल असेंबली से हमारे 14 अराकीन कंटेस्टिंग के लिए उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा किए, 35 सूबाई असेंबलियों से, उसमें से जो मेन हमारे कैंडिडेट हैं बिना किसी वजह के किसी के जेब में अगर बटुआ नहीं हुआ है तो उसको भी रिजेक्ट कर दो, किसी की टोपी अगर थोड़ी टेढ़ी रखी हुई है उसको भी रिजेक्ट कर दो, इस तरह से हमारे जो मेन कैंडिडेट थे मलिक नसीर, मैं तो उसे बदनामों में शामिल हूं, मैं अपने आप को मेन तो नहीं कहूंगा, मलिक नसीर, हाजी बासित, अमन नवाज, वहीद लड़ी, इब्राहिम लड़ी, नसीम जावेद हजारा, मीर मकबूल लड़ी, मीर निजाम बलोच, टोटल 12 हमारे जो सूबाई असेंबली से कैंडिडेट को जो है उन्होंने आरोज ने रिजेक्ट किया। आगा कलंदर अहमद जी, इनमें के तीन है, मेरा नाम है हाजी बासित है, चार जगहों पे मैंने कागजात नामजदगी जमा किए थे, वर्ड प्रमोशन, खुजा नेशनल, कलात नेशनल और क्वेटा सरियान की जो सीट है, चारों की चारों से हमें जो है उन्होंने फारिग कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में इसी इलेक्शन जब से, जिसको हमने कहा था अंडरटेकर गवर्नमेंट आई है, उसने मुख्तलिफ इलाकों में हमारे दोस्तों के खिलाफ FIR भी काटनी शुरू कर दी। एहतजाज हर किसी का बुनियादी आइनी और जमहूरी हक है, और जब आप जुल्म ज्यादतियां करेंगे तो उसके बदले में एहतजाज तो लाजम और मजलूम है। उस एहतजाज की पादाइश में हर जिले में कहीं पे 25, कहीं पे 12, कहीं पे 10 हमारे कारकुनों, हमारे जिले की क़यादत या मरकजी क़यादत के खिलाफ जो FIR दर्ज किए गए। खुद सख्ता यहां पर पार्टियां बनाई गई, बलूचिस्तान को हर दौर में एक तजुर्बागाह बना दिया गया, मसनवी क़यादत बनाई गई, चूजे तो समझते हैं आप लोग, चूजे जो है ना उनको मंजर आम पर लाकर उनको बलूचिस्तान का वारिस बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो चूजा जो पर उठाता है उससे पता चलता है कि देसी मुर्गी है या फार्मी मुर्गी है, पर वो फर्क कहीं और नहीं है, हमारे और आपके नजदीक है, जिसमें इस तरह की मसनवी क़यादत पैदा करने की कोशिश की जा रही है और पहले भी की गई, जिसमें उनको
कई बार नाकामियां हुई, उनको सबक सीखना चाहिए, उनको अपने इन नाकाम तजुर्बों से सबक सीखना चाहिए। बाकायदा सरियात के इलाके में और मुख्तलिफ इलाकों में एजेंसियों के लोग कहीं पे वर्दियों में, कहीं सादा वर्दियों में लोगों के दरवाजों पर दस्तखत देकर नॉक कर उनसे उनकी पार्टी एफिलिएशन मालूम कर रहे हैं कि आने वाले लोग इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे, क्या ये सर्वे किया जा रहा है? और फिर उनको ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, हमारी ख्वाहिश है कि आप इस अजीम शख्सियत को जो वोट दें। इलेक्शन के मराहिल होते हैं, पहला मरला उनका नॉमिनेशन पेपर, दूसरा मरला इलेक्शन कंपेन, तीसरा जो है कंपेन पोलिंग। ये पहले ही मरहले में जो है उन्होंने अपनी असलियत दिखाकर ये साबित कर दिया है कि यहां पे इलेक्शन नहीं हो रहे। इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक ही हुआ था 1970 का, जिसके नतायज कबूल न करते हुए भी इक्तदार अवामी तहरीक को देने के बजाय मुल्क तोड़ा, मुल्क को दो लख किया, लेकिन इक्तदार से जो है हाथ नहीं उठाए। वो कहते ना, जान जाए लेकिन इक्तदार ना जाए, मुल्क जाए लेकिन इक्तदार ना जाए। ये इस मुल्क की रियासत और रियासत की इदारों की खमीर में बस चुका है ये चीजें। अगर इनको सिलेक्शन करनी है, अगर उनको अपने मनपसंद लोगों को असेंबलियों में लाना है, तो फिर ये दिखावा क्यों, फिर ये नाटक, इलेक्शन का नाटक क्यों? नतीजे आप लोगों ने तो पहले तय किए हैं और हमें पता है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को ये मालूम है कि उसको जो सजा दी जा रही है 2018 के इलेक्शन में कामयाब होने के बाद, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सूबाई या कौमी असेंबलियों में जो कारकर्दगी रही है, जो सियासी मसाइल पर उन्होंने उन नुकात को उठाया, ये बात उनको नागवार गुजरी। और उसकी पादाइश में इस वक्त दो पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू है, एक पीटीआई और यहां पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। हमारे लिए जमहूरी अगर दरवाजे बंद किए गए, हमने नवाब अकबर खान भुट्टी की शहादत पर असेंबलियों से एहतजाजन इस्तीफे भी किए 2008 के इलेक्शन में, जब तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों ने इलेक्शन से बायकॉट का ऐलान किया, तो उसी इतिहास में रहते हुए हमने भी बायकॉट किया। लेकिन 2013 में जब हम इलेक्शन में आए, हमें वो नतीज नहीं मिले जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन थी या तो अवकात थी। 2013 के इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया, मकरान में 2018 के इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया। पहले ही मरहले में इन्होंने जो है अपने लीडरशिप दिखाना शुरू कर दी है नॉमिनेशन पेपर पर। अभी तो इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है, आप लोगों ने तो पहले से ही कैंपेन शुरू कर दी है अपने मनपसंद लोगों को कामयाब करने के लिए। हाँ, अगर हमें असेंबलियों में न छोड़ा गया, पहले तो असेंबलियों के अंदर असेंबलियों का तकद्दुस बरकरार रखते हुए हमने बातें की, हमने तकरीरें की, लेकिन असेंबलियों के बाद
फिर किसी का तकद्दुस नहीं रहेगा, चाहे वो वर्दी वाले हों चाहे वो बेवर्दी वाले हों। तो अवाम के मजमे में फिर हमारे लिए तकद्दुस सिर्फ और सिर्फ अवाम और बलूचिस्तान का होगा, उसकी राह में और बलूचिस्तान को अपनी मनपसंद क्यादत के गुलाम बनाने के लोगों के खिलाफ हम पहले भी सर एहतजाज थे, आने वाले दिनों में भी हम सर एहतजाज रहेंगे। उसमें शिद्दत आ सकती है, उसमें तेजी आ सकती है, लेकिन उसमें कमी नहीं आएगी। निगरानों का इलेक्शन, जिनका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना था, वो खुद इलेक्शन का हिस्सा बन रहे। नॉमिनेशन से एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफे दिए, अपने आरओज अपने डीआरओज और इलेक्शन स्टाफ अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक उन्होंने तैनात करके अब जो है उन्होंने इस्तीफे देकर और कैंडिडेट बनने का शौक पूरा किया है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कल के इजलास में, जिसमें हमारे सेंट्रल कमेटी और कैबिनेट मरकजी कैबिनेट और जो हमारे उम्मीदवार हैं उनमें मैंने नाम रखा हुआ है, कुछ गाजी हैं जिनके कागजात ठीक हो गए, कुछ मेरे जैसे शोधा हैं जिनके कागजात जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, उनका इजलास हुआ और इस इजलास में यह तय पाया कि ट्रिब्यूनल में हम जाएंगे, वहां से हमें रिलीफ मिली, वेलिंगटन नहीं मिली हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, अगर नहीं मिला वहां से तो फिर हम आवाम की अदालत में जाएंगे और आवाम का फैसला, आवाम का फैसला क्या होता है ये फिर वक्त ही बताएगा और वो हालात ही बताएगा। आप तमाम साफी हजरात का शुक्रिया। साथी ने दिया कि भी मेरे खिलाफ भी कोई मफरूज शख्स ने जो कागजात देना, भाई वो तो उन्हें तक उत्तर है जी, वो मफरूर हो सजा याफ्ता हो वो उनका अपना लाडला है। तो हर अजीब सी बात है, जिस किसी ने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दिए उसमें से ज्यादातर मफरूर ही है या मशकूक है, तो हमें ये तो अंदाजा हो गया उन मशकूकों के पीछे वही नामालूम है जो यहाँ पर लोगों को हवा करते हैं, वही नामालूम। बड़ी मेहरबानी।